भाई देखो, मेरे को इतना बड़ा हथियार चाहिए। अगर इतना बड़ा हथियार वाला बंदा होगा जो मेरे को खुश कर देगा, अंदरूनी खुशी दे देगा, फिजिकली खुशी देगा, उसको मैं 1 लाख रुपए और एक फ्लैट दूंगी। एक फ्लैट 1 लाख? ए गाड़ी स्टार्ट कर। क्या हो गया? मैं तो पानी पीने गया था। अरे भाई साहब, ये बनावटी दुनिया है, हर चीज यहाँ पे स्क्रिप्टेड होता है। ये भोसड़े कैसे उल्लू बनाते हैं लोगों को, और रियल में ऐसा कुछ नहीं होता। अब सोचो, 1 लाख रुपए और एक फ्लैट, कौन बेवकूफ छोड़ेगा? अगर रियल में होता तो शाहरुख खान के बर्थडे पे जितना लोग नहीं आते, उससे कई गुना तो यहाँ आ जाते। तो खैर छोड़ो ये सब चीजें, आओ हम लोग अपना पढ़ाई शुरू करते हैं। तो चलो फटाफट हेडफोन लगा लो और शुरू हो जाओ। नहीं 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 नहीं, गाली गलौज मैं नहीं करूँगा भाई, मेरा तरीका थोड़ा अलग है। तो चलो जरा ये देखो। तो चलो आओ जरा हम लोग कमेंट पढ़ते हैं इनका। आगे का तो बड़ा कर लिया, अब पीछे का भी ध्यान दो। पहले उग तो जाने दे जिसको हिला के व्यूज लेने के चक्कर में है निब्बी। दिखाने के लिए अभी थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा। सारी मेहनत ऊपर ही हुई है। क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? ऊपर की दुकान तो है भी है, लेकिन नीचे का बीम कमजोर, लोड नहीं ले पाओगी। न गाढ़ न चूची, बातें करे ऊंची। अबे तेरे चूतड़ कहाँ है बे? बहन तेरे चूतड़ तो है ही नहीं, फिर मटका क्यों रही हो? क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। गाढ़ मरवा लो 10-15 बार, वो भी बड़ी हो जाएगी, तब मजा आएगा। कौन कौन इसकी बजाना चाहता है, वो भी थूक लगा कर। काश तेरे पापा तेरी मम्मी के पास उस रात न सोते, तो तेरी जैसी औलाद पैदा न होती। अरे अभी इतनी जल्दी नहीं रुकना भाई, अभी तो शुरू किया है, आगे और भी तो देखो। बेबी अपनी आंखें बंद करो। कर ली। क्या देखा? अंधेरा। बस ऐसी है मेरी जिंदगी तुम्हारे बिना। भोसड़ी के, मुझे लगा दूध दबाएगा। वो किस्सा है ना कि भिखारी को सोने का कटोरा भी दे दो तो उसमें भी मांगेगा भीख ही, वही हाल है झिंगुर का। तो आओ जरा इनका कमेंट पढ़ते हैं। टेंशन ना लो, आओ मैं दबा देता हूँ। मैं मोदी जी से अनुरोध करता हूँ कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा कंडोम लगाने की सलाह दें, ताकि ऐसे नमूने और पैदा न हो। क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। मेरा हीरो होता तो अब तक वो अपना हाथ मेरी पैंटी में डाल देता। दूध दबाओ ना सर, क्या नाम है आपका? हम दूध दबाते नहीं, पीते हैं। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। दोनों की जींस घुटने पे फटी है, दया कुछ तो गड़बड़ है। क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? मुझे लगा कि उंगली डालेगा। हमें मौका दो दबाने का। हमारे पास आ जाओ, हम दबा भी देंगे और डाल भी देंगे। नहीं, समझना चाहिए कि आजकल के लड़के लड़कियां बहुत एडवांस हो चुके हैं और इसको अंधेरा समझ में आ रहा है। और आजकल तो एक नया फैशन आ चुका है कि कुछ भी कर रहे हैं लोग तुरंत सोशल मीडिया पे शेयर कर रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं ब्लॉग बना रहे हैं, तुरंत उसका वीडियो बना के अपलोड कर दे रहे हैं। अब ये देख लो जरा एक। गाइस, आज मुर्गी गर्मी में सबसे ज्यादा मेरे को गन्ना क्या लगता है, जब पाल जी पकते हैं ना, बहुत गर्मी है, बहुत ज्यादा। ये बात तो सबको पता है कि गर्मी का मौसम चल रहा है, गर्मी का मौसम में गर्मी तो लगेगा ही, तो इसके लिए वीडियो बना के अपलोड करने क्या जरूरत थी? चलो वीडियो बना ही लिया तो उसका कमेंट भी पढ़ लो। मैडम रिएक्ट तो ओयो रूम वाला दे रही है। क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? कितना राउंड चला है तभी तो गर्मी है। ठंडी में मेहनत करो, 2-5 राउंड होने के बाद भी पसीना नहीं आएगा। बाथरूम में उंगली चलाने से यही होता है। अरे कहना क्या चाहते हो? मेरे ख्याल से 1 राउंड होने के बाद ये हालत हुआ है। तेजस्वी लोग हैं हमारे पास।
कितने शानदार विचार रखते हैं जी। अभी फर्स्ट राउंड हुआ है, अभी दो राउंड बाकी है। ये तीन राउंड का कमाल है। हमने थोड़ी ना कहा था कि इतनी ठुकाई करवा लो। कितने लेते हो आप इस काम के? मैडम ओयो रूम से लाइव आ रही है, गर्मी तो लगेगी। शॉर्ट पे शॉर्ट क्यों ले लिया तूने? एक ही लेना था ना मेहनत से। मेहनत का फल अभी नहीं, 9 महीने के बाद मिलेगा। अरे वो तो बेचारी सिर्फ गर्मी बता रही थी, और ये सब चाले कौन सी बात को कहां से कहां उठा कर ले गए। चलो जरा अब ये देखो। ये कौन सा एक्सरसाइज था? आओ जरा इनका भी कमेंट पढ़ते हैं। ये लड़कियां जिम में गांव दिखाने के लिए जाती हैं क्या? ये डांस नहीं है, तू लेने की प्रैक्टिस कर रही है। मुझे वो गाड़ियां बहुत पसंद है जिनके पिछले टायर मोटे होते हैं। इसकी तो गाड़ी फाड़ दे मिल जाए तो। बेबी मरवा के छोड़ेगी। डॉगी स्टाइल मजा आएगा। नाइट के स्टेप याद आ रहे हैं क्या? गाइस इसकी गाड़ में खुजली हो रही है। ये डांस ना है, एक्सपीरियंस बोल रहा है बीएफ के साथ वाला। खाली झटके मारने से कुछ नहीं होता, आगे हथियार होना जरूरी है। देखो ऐसे लोगों को जिम में बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, खुद तो बॉडी बना लेंगे और आसपास वाले बेचारे कमजोर हो जाते हैं। आओ जरा अब ये देखो। धर्मवीर ताऊ का काला है क्या? तुम लोग पागल हो क्या? मुझसे ऐसा सवाल क्यों पूछ रहे हो? मैंने थोड़ी ना देखा है, मुझे थोड़ी ना पता है। मतलब छी यार छी, डिस्गस्टिंग। ये देखो, मुझे देखो मैं कैसे बैठी हूँ। ये देखो यार, अच्छी चीजें देखो तुम। अच्छी चीजें देखो तो आओ जरा इनका कमेंट पढ़ते हैं। देखने दिया ही नहीं, इसके पीछे से डाला है। लाइट ऑफ करके नहीं नजर आता। आप कैसे देखती हैं? होटल रूम का लाइट बंद कर दिया था धर्मवीर ताऊ जी। लाइट ऑफ थी, कैसे देखती है? तुम्हारी कैसी है वो बता दो। धर्मवीर ताऊ ने किस पोजीशन में ली थी? देखने में टाइम वेस्ट क्यों करेगी, सीधे मुंह में लिया होगा। ये सवाल का जवाब है। मैं तो बोलूंगा तुम लोग सवाल इससे करो, जवाब देने के लिए लोग बैठे हैं, कमेंट में जवाब एकदम ठूस देंगे। आओ जरा अब ये देखो। देखो ना पीछे क्या काट लिया है मेरे गले पे। ओह चल रहा यार। काट लिया या काट रहा है? अरे कहना क्या चाहते हो? कुछ नहीं, आओ जरा तुम लोग को कमेंट दिखाता हूँ मैं। दर्द होगा लेकिन बहुत मजा तो आएगा, डालेगा तब। पीछे से नहीं नीचे से डाल दिया। तुम ऐसा एक्टिंग करते हो जैसे तुम्हारे पिछवाड़े में कोई डाल दिया। मेरा लंड ले लिया है क्या? गया पूरा अंदर। लगता है बेबी को बहुत दर्द हो रहा है। ज्यादा मरवाने का शौक है। हमको लगा इसके पिछवाड़े में गया। तो चलो ठीक है। अच्छा वैसे भी 11 बज गया और टाइम हो गया मेरा अब ड्यूटी करने का। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। और हाँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो यार, 3 साल में सिर्फ 800 सब्सक्राइबर हुए हैं।